साथियों, कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग ये दो टाइप की जो साइडिंग होती हैं ये रेलवे में बहुत रेयर सेक्शंस में मिलती हैं। बाकी माल गोदाम साइडिंग, घोड़ा साइडिंग, मिलिट्री साइडिंग, इस तरीके से आपने बहुत से नाम सुने होंगे जो है, एआरटी साइडिंग, गुड्स साइडिंग। लेकिन कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग उन सेक्शनों में बनाई जाती है जहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टीप ग्रेडियंट होता है, जिसको कि पुशर या हेल्पर ग्रेडियंट भी कहते हैं, जहाँ पर गाड़ी को चढ़ाने के लिए एक्स्ट्रा इंजन की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले हम लेते हैं कैच साइडिंग। कैच साइडिंग जब किसी ऊंचाई पे स्थित स्टेशन से गाड़ी जब डाउन ग्रेडियंट में, जो काफ़ी स्टीप ग्रेडियंट होता है जिसको घाट सेक्शन भी कहते हैं, उसमें जब गाड़ी जाती है तो एक तो इस गाड़ी की स्पीड इंजन से बढ़ती है, दूसरी उसकी सेल्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से स्पीड बढ़ने लगती है। स्पीड को ड्राइवर लोग बराबर कंट्रोल करते रहते हैं कि लिमिट से ज़्यादा स्पीड न होने पाए। तो लेकिन फिर भी उस गाड़ी को ब्लॉक सेक्शन में एक जगह रोका जाता है, रोक करके उसकी स्पीड कंट्रोल की जाती है। अगर किसी कारणवश गाड़ी का ब्रेकिंग सिस्टम न काम करे, ब्रेकिंग सिस्टम फेल हो जाए, तो क्या होगा, वो गाड़ी अगले स्टेशन पे जाकर अनियंत्रित होकर किसी सामने वाली आ रही गाड़ी से या वहाँ पर पहले से खड़ी किसी गाड़ी से जाकर टकरा जाएगी। तो इसको अवॉइड करने के लिए जहाँ पर ट्रेन रोकना होता है उससे थोड़ा सा आगे, 10, 20, 50, 100 मीटर आगे एक साइडिंग बनाई जाती है जो अपर ग्रेडियंट की तरफ होती है और वो परमानेंटली सेट रहती है कि अगर ड्राइवर गाड़ी वहाँ रोके और वो ना रुके तो वो सीधे जो है उसी कैच साइडिंग में चली जाए और अगले स्टेशन पे ना पहुँचे और वहाँ जाके चढ़ाई पर होने के कारण धीरे धीरे ग्रेविटेशनल फोर्स से वो रुक जाएगा और किसी संभावित दुर्घटना जो अगले स्टेशन पे होने की संभावना थी उससे बच जाए। इसी तरह स्लिप साइडिंग, जब कोई भी स्टेशन बहुत ऊंचाई पर स्थित होता है तो उसको वहां से गाड़ी को स्लिप हो जाने, डाउन ग्रेडियंट की तरफ स्लिप हो जाने का, अपने आप ग्रेविटेशनल फोर्स से स्लिप हो जाने का डर रहता है। तो उसके लिए सीधे मेन लाइन की तरफ पॉइंट बना के उस गाड़ी को नहीं खड़ा रखा जाता है, एक साइडिंग बना दी जाती है जो गाड़ी की लेंथ से थोड़ा ज़्यादा होती है, जो है कैच साइडिंग की भी लेंथ गाड़ी की लेंथ से ज़्यादा होती है, स्लिप साइडिंग की भी होती है। तो उस पे जो है बना के रखा जाता है ताकि गाड़ी किसी कारणवश जो है अगर स्लिप करे तो उसमें चली जाए, ब्लॉक सेक्शन में जाके दूसरी गाड़ी को टक्कर ना मारे। तो ये होती है कैच साइडिंग और स्लिप साइडिंग के बारे में जानकारी। ऐसी नई नई चीज़ों की जानकारी हम आपको समय समय पर देते रहेंगे, लेकिन आपसे एक अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं घंटी का बटन दबाएं ताकि आपको समय से हमारे नए वीडियो की सूचना मिल सके। और जहां तक मैंने देखा है, उदयपुर से अहमदाबाद जो रेलवे लाइन जाती है उसमें खारवा, चंदा और जावर स्टेशनों के मध्य में कैच साइडिंग बनी हुई है, तथा उदयपुर से मावली सेक्शन में मावली स्टेशन पे, जो काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पहाड़ी पे बना हुआ है, वहाँ पर स्लिप साइडिंग बनी हुई है। और भी जगहों पर होंगी पूरे देश की जानकारी, लेकिन ये साइडिंग्स हमारे इधर यूपी साइड में कहीं नहीं पाई जाती। धन्यवाद।